Hello and welcome friends, my name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution channel. Friends, today we are going to learn about how to make a search box. So आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. ये देखिए हमारे पास एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है पहले से, और इस छोटे से रिकॉर्ड में, ये तो एक छोटा सा रिकॉर्ड है हमारे पास, बहुत बड़ा भी रिकॉर्ड हो तो आप कैसे सर्च कर सकते हैं किसी भी नाम को, किसी भी एड्रेस को, करस्पॉन्डिंग एड्रेस को कैसे सर्च कर सकते हैं. जैसे एस से कोई नाम स्टार्ट हो रहा है तो एस वाले नाम, पी से कोई नाम स्टार्ट हो रहा है तो पी वाले नाम, ठीक है, कैसे इसको सर्च कर सकते हैं आइए देखते हैं. अब मेरे पास इसमें देखिए एस से लिखे हुए कई नाम है, एक दो तीन नाम है, तो उसको कैसे हम सर्च करेंगे. आर से लिखे हुए देखिए एक दो, आर से दो नाम है, तो इसको हम कैसे सर्च कर सकते हैं, कैसे इसके लिए सर्च बॉक्स बना सकते हैं, हम सर्च कैसे कर सकते हैं इसको हम देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट भी करने के पहले यहां पर हम सर्च करेंगे उस फॉर्मूले को. जहां पर भी आप सर्च करना चाहते हो वहां पर आप, मैं इसको कलर कर देता हूं, जैसे ये देखिए यहां पर मैंने कर दिया इसको ये कलर. यहां पर हम फॉर्मूले को सर्च करेंगे, ठीक है. और अब कैसे सर्च करना है, सबसे पहले इस पूरे टेबल को सेलेक्ट कीजिए. आप सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए और चले जाइए न्यू रूल्स पर. ये आपको न्यू रूल्स दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर तमाम ऑप्शन आ रहे हैं. आपको चूज क्या करना है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स फॉर्मेट, क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको लगाना है सर्च का फॉर्मूला, ठीक है. सबसे पहले मैं लिखूंगा एस ई ए आर सी एच, ठीक है. इक्वल टू का निशान दबाने के बाद लिखूंगा एस ई ए आर सी एच, और यहां पर आपको मैनुअली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, यानी कि आप टैब दबा देते थे तो ब्रैकेट लग जाता था एक्सेल में, लेकिन यहां पर आपको शिफ्ट दबा करके स्मॉल ब्रैकेट लगाना पड़ेगा. और यहां पर स्मॉल ब्रैकेट मैं ऑलरेडी लगा चुका हूं. अब उस जगह को सिलेक्ट कीजिए जहां पर आप फॉर्मूले को सर्च करना चाहते हैं, तो यहां पर सर्च करना चाहता हूं मैं, मैंने सेलेक्ट कर लिया. इसके बाद आपको देना है कॉमा. अब आपको सेलेक्ट करना है नेम ऑफ स्टूडेंट को, हमने सेलेक्ट कर लिया. यहां पर देखिए डॉलर लगा हुआ आ रहा है. भाई डॉलर चीज ही ऐसी होती है कि जिसको मिल जाए वो वहीं पे गड़ जाता है, वहीं पे अटक जाता है, वो उससे आगे नहीं बढ़ता है. तो हम इस डॉलर को हटा देते हैं, यहां से हटा दिया हमने, ठीक है. अब यहां पर एंड का साइन लगाना है आपको. एंड का साइन अल्फाबेटिक, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 जो बटन है उसको शिफ्ट के साथ दबाइएगा तो एंड का साइन लग जाएगा. यहाँ लगा दिया हमने. अब हमें फादर्स नेम को सिलेक्ट करना है, कर लिया हमने. और यहां से भी हमें डॉलर का साइन हटा देना है, जो वन रो है उसके पहले जो डॉलर का साइन लगा है उसको हटा दीजिए आप. फिर आप एंड लगा लीजिए, और लास्ट में जो बचा हुआ है हमारे पास तो चार कॉलम है, तो अभी एक और कॉलम होगा तो इसको भी सेलेक्ट कीजिए और यहां से भी डॉलर का साइन आप हटा दीजिए. ये हटा दिया हमने. फिर एंड लगाइए और एड्रेस वाले कॉलम को सेलेक्ट कीजिए, और लास्ट में डॉलर का साइन जो बन रहा है इसको आप हटा दीजिए. हटा दिया हमने. अब इस ब्रैकेट को कर दीजिए बंद, और अब यहां पर आकर के आपको करना है फॉर्मेट पे क्लिक. ये जो फॉर्मेट दिख रहा है यहां क्लिक करिएगा. जैसे ही क्लिक करिएगा यहां पर आपको चार ऑप्शन ऊपर में दिखाई देंगे. पहला ऑप्शन है नंबर, दूसरा फॉन्ट, तीसरा बॉर्डर, चौथा फिल. फिल पे क्लिक कर दीजिए और जो भी कलर आपको ठीक लगता हो. मुझे यहाँ पे ये वाला कलर ठीक लग रहा है, मैं ये कलर ले सकता हूँ, ठीक है, इसी को ले लेते हैं. ये ले लिया हमने. लेने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है, कर दिया हमने. इसके बाद फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक कीजिए आप, तो ये कुछ इस प्रकार का आपको सिनेरियो दिखाई देगा. अब आपको क्या करना है, आपका काम हो चुका है. अब आपको यहाँ पे आना है जहाँ पे आपने सर्च करने के लिए ये बनाया हुआ है बॉक्स. आप इसमें कोई भी नाम सर्च कर सकते हैं, जैसे मैं एस से संबंधित नाम सर्च करना चाहता हूं तो मैंने यहां लिखा एस यू आर. अब जो भी एस से संबंधित नाम होंगे यहां आ जाएंगे, आप देख सकते हैं. या देखिए एस यू आर सूरज, एस यू आर से एक ही नाम है सूरज, तो यहाँ सूरज जो है सेलेक्ट होकर आ गया, ठीक है. तो एस यू आर है यहाँ पे. अगर मैं सिर्फ एस यू कर दूं यहाँ पे तो देखिए क्या होता है, तो देखिए ये दोनों आ रहा है क्योंकि एस यू और एस यू यहाँ पर दोनों है. अगर मैं आर लगा देता हूँ तो यहाँ पे एम है, तो यहाँ एम अगर लगाऊंगा तो सुमित वाला सेलेक्ट होगा, अगर आर लगाऊंगा तो सूरज वाला सेलेक्ट होगा. देखिए यहाँ पे अगर एम लगा देता हूँ देखिए सिर्फ सुमित वाला सेलेक्ट होकर आएगा. तो ये बात आई होप की समझ में आ रही होगी आपको. चलिए आइए कुछ और सर्च करते हैं, जैसे कि आर वाले नाम को हम सर्च करेंगे. तो यहां मैंने लिखा आर, एंटर प्रेस किया, सॉरी
यहाँ लिखते हैं R, अब इसके बाद कुछ और लगाएंगे, जैसे मान लीजिए R के बाद कुछ और लिखेंगे, जैसे R A लिखा हमने, एंटर प्रेस किया, तो यहाँ देखिए R A से, यहाँ देखिए जैसे रुखसाना है, ये देखिए मदर्स के नाम के क्राइटेरिया को भी ये पकड़ेगा, और यहाँ पर देखिए रितेश सिंह लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर R A J U पूरा लिख देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए राजू वाला कॉलम जो है सेलेक्ट होकर आ जा रहा है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ये सर्च बॉक्स एक्सेल में हम कैसे बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी तक ये बात पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।